हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ अन्ना पर। देखिए अन्ना जो है इतना बढ़िया यहाँ पर इन्होंने साउथ इंडियन फूड का एक शॉप खोला है। कॉर्नर में है ये, राजनगर सेक्टर 10 गाजियाबाद में, मोर के बराबर में और गुरुद्वारे के बराबर में ये शॉप है। आप यहाँ पे आइए और बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन फूड आपको यहाँ पर टेस्ट करने को मिलेगा। इनका 4 फुट का डोसा स्पेशलिटी है। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा स्पेशलिटी तो सारी चीज़ों की है। मैं यहाँ पर कम से कम 8 से 10 बार आ चुका हूँ और मैंने जो भी इनका डोसा या इडली या सांभर कुछ भी टेस्ट करा, वो भाई साहब बिल्कुल अल्टीमेट है। फ्रेंड्स, ये जेन्युइन रिव्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ पे टेस्ट करा है। इनकी टमाटर की चटनी मेरी फेवरेट है और ये जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो नेचर फ्रेश का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ आपके सामने बनेगा, टाइम भी नहीं लगता है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को यहाँ पर लेके आइए। बहुत ही बढ़िया शॉप है फ्रेंड्स। और आज मैं बनवा रहा हूँ मैसूर मसाला डोसा। तो देखते हैं कैसे ये मैसूर मसाला डोसा बनाएंगे। मैसूर तो मैं गया हूँ लेकिन मैंने मैसूर मसाला डोसा पहली बार सुना है। काफी बड़ा साइज है, काफी अच्छा बना रहे हैं ये। ये नेचर फ्रेश का ऑयल यूज करते हैं, मतलब ऑयल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि जैसे इसको कई बार मैंने खाया है इनके यहाँ, तो मेरे को कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई कि पेट में कोई जलन है या कुछ है। और देखिए ये लाइव किचन है, मींस कि आपके सामने बन रहा है। कोई प्रिपरेशन ऐसी नहीं है कि ये अपनी किचन के अंदर से बना के लेके आ रहे हैं। और सर्विस भी बहुत फास्ट है, ऐसे नहीं है कि खड़े हुए हैं या आपका टाइम लग रहा है, आपको वेट करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम देखेंगे पूरा मैसूर मसाला डोसा कैसे बनता है, क्या प्रिपरेशन है इसकी। जो ये आलू का मसाला होता है बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है इनका ये मसाला। आजकल रेस्टोरेंट्स में ये नहीं पता होता है हमारे को कि किस क्वालिटी का ये ऑयल यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेचर फ्रेश का ऑयल यूज करते हैं। पैकिंग देखिए, डोसे की पैकिंग भी, ये अन्ना का लोगो है, स्विगी और जोमैटो पे भी है इनका। जोमैटो से और स्विगी से आप मंगवा सकते हैं। इनकी जोमैटो पे 4 के ऊपर रेटिंग है। देखिए रिसेंटली एक ऑर्डर आया था 742 पर। वापस आ गया हूँ अपने मैसूर मसाला डोसा। मेरा बहुत मन था, मैंने कहा आज इस डोसे को मेरे को खाना ही है। इतनी बढ़िया और सुंदर ये इनकी सांभर की हंडिया है, इसके अंदर इनकी सांभर गर्म होती रहती है। पैकिंग का भी बहुत अच्छा है। ये लाल चटनी मेरी फेवरेट है और ये नारियल की चटनी बहुत टेस्टी है। अरे इसी बीच में मेरा आलू लग गया है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। आलू का मसाला लग चुका है मैसूर मसाला डोसा पे और ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है और इन्होंने मेरे को सर्व करने के लिए बोल दिया, आ जाइए। क्या सर्विस है, कितनी फास्ट इन्होंने दिया है। ये फ्रेश है, डिस्पोजेबल में देते हैं। ये नहीं है कि कोई स्टील की प्लेट्स हैं, गंदी हैं कुछ हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अन्ना है ये और इसके बराबर में ये मोर है, गुरुद्वारा, राजनगर का गुरुद्वारा सेक्टर 10 में, उसके बहुत ही पास में बिल्कुल बराबर में कॉर्नर की शॉप है अन्ना। और मैं आपको बीच में थोड़े से रेट्स दिखा देता हूँ, हालाँकि मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मेरे को आपको रेट्स भी दिखाने हैं। ये इनके रेट्स हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं आराम से। उधर मेरा डोसा मेरा वेट कर रहा है, मेरे से रुका नहीं जा रहा है। और ये देखिए डोसे के ये रेट्स हैं और देख सकते हैं रवा डोसा, रवा अनियन मसाला डोसा। तो ये देखिए प्लेन उत्पम। और इधर देखते हैं ये कुछ इनका एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, जिसके अंदर इनका 4 फुट का डोसा है और शेजवान नूडल डोसा है, पिज़्ज़ा डोसा है, साउथ इंडियन प्लेटर है। सारी आइटम्स बहुत ही टेस्टी हैं। मैंने कुछ दिन पहले इनका रवा मसाला डोसा खाया था, वो भी बहुत ही गजब का था। तो संजीव जी, 2 मिनट का टाइम मैं आपका लूँगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतना बढ़िया और इतना फ्रेश सबको सर्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि राजनगर में आपने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है, रेस्टोरेंट कह सकते हैं उसको या ईटरी शॉप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छा स्पेस है
तो आपने इतना अच्छा ये साउथ इंडियन की फैसिलिटी यहाँ पर दी है, तो उसका श्रेय किसको दूं मैं? आप ही को देना पड़ेगा। तो सर श्रेय तो देखो यहाँ के लोगों की डिमांड के हिसाब से हमने बनाया था यहाँ पे, जिससे कि साउथ इंडियन का हम एक लॉन्च करें, तो साउथ इंडियन हमारा बहुत अच्छा ये जो आउटलेट खुला हुआ है आउटलेट, और ये मेरी एक फ्रेंचाइजी है और ये अन्ना के नाम से चल रही है, और ये बहुत ही अच्छा है इसका, जो आज आप खा के जा रहे हैं आज से एक महीने बाद भी आएंगे तब भी आपको यही मिलेगी क्वालिटी। तो संजीव जी ऐसा है कि मैंने देखा है कि जैसे हम कभी यहाँ पे रेस्टोरेंट गाजियाबाद के जो रेस्टोरेंट उनमें डोसा लेने जाते हैं तो अमूमन वहाँ पर 150-200 और उसके ऊपर मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे को लगते हैं, तो यहाँ पर आप इतना सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अंदर आप ये बता भी रहे हैं कि उसमें आप नेचर फ्रेश का ऑयल हमारे को दे रहे हैं। मैं नेचर फ्रेश का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जब रेगुलर लेते हैं बटर मिलेंगे तो हमारा अमूल का बटर यूज़ होता है। अच्छा, तो इसमें स्विगी और जोमेटो पे भी आपका है? स्विगी जोमेटो पे मेरे ऑर्डर हैं, बहुत ऑर्डर आते हैं, दिन में कम से कम 50-60 ऑर्डर आते हैं। तो संजीव जी ये बताइए, जैसे कि गाजियाबाद के जो लोग हैं जो राजनगर में रहते हैं वो तो ले सकते हैं, बट स्विगी जोमेटो वाले कहाँ तक ये सर्विस दे देते हैं, कहाँ तक पहुँचा देते हैं? देखिए सर, पहले यदि इसकी रेटिंग 3 में चलती है, उनकी 6 किलोमीटर की रेंज होती है, जिसकी 4 से प्लस हो जाती है तो उनकी रेटिंग 12 किलोमीटर की रहती है। नहीं तो मतलब जैसे कि कोई हमारी रेंज जो है 12 किलोमीटर तक की रेंज आ गई है। अच्छा, तो अभी 12 किलोमीटर तक का जैसे RDC राज मतलब जैसे राजनगर सेक्टर 10 में है ये, तो 12 किलोमीटर की रेंज तक ये मेरा इंदिरापुरम क्रॉसिंग रिपब्लिक और ये क्या नाम है वेव सिटी तक जा रहा है। अच्छा, बहुत दूर दूर तक आपका लोग पसंद कर रहे हैं, हालांकि मुझे भी कई लोग मिले और उन्होंने बताया कि अन्ना जो है राजनगर में खुल चुका है। तो संजीव जी इतना मेरा डोसा ठंडा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप लीजिए। इसके अलावा हमारी एक और वैरायटी है जो 4 फीट का डोसा, 4 फुट का डोसे का संजीव जी हमने वीडियो बनाया ही था। तो संजीव जी आप मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे डोसे को खाते हुए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कितना टेस्टी डोसा है और डोसे का साइज़ भी बहुत बड़ा है संजीव जी। जी सर। और ये देखिए चटनी, वाकई फ्रेंड ये जेन्युइन रिव्यू है और बहुत ही टेस्टी है। मैंने पहले टेस्टी इसलिए कहा था क्योंकि मैं पहले भी कई बार इनके डोसे खा चुका हूँ, लेकिन आज मेरे को मैसूर मसाला डोसा टेस्ट करना था। तो देखिए ये मैसूर मसाला डोसा है, इसमें अभी चलिए हम सांभर टेस्ट करते हैं कैसी सांभर है इनकी। देखिए बहुत ही टेस्टी सांभर है। तो फ्रेंड्स ये इतना बड़ा साइज है इस डोसे का कि मुझे खाने में टाइम लगेगा, तो यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और संजीव जी का थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू सर।